सम्मिलित सा खुशी मुख्य सितारे लाए हैं। परम आदरणीय राष्ट्रपति जी और परम आदरणीय भारत की प्रथम महिला मैडम जी, आप दोनों का, मैं अनुराधा शर्मा प्राथमिक शिक्षिका और हमारे प्यारे बच्चे विद्यालय प्रांगण में सहर्ष सहृदय उन्हें अभिनंदन करते हैं। आपकी गरिमा में उपस्थिति में हमारा संसाधन पक्ष जो आज इतना प्रदीप्त मान्य है, यह राष्ट्रपति भवन का हमारी समस्त विद्यालय परिवार को मिल मिलने वाले प्रेम और प्रोत्साहन का प्रतिबिंब है, जिसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। अब आपसे संवाद के लिए, संचालन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सृष्टि वर्मा, जो पांचवी कक्षा की छात्रा है। माननीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय मैडम जी, हम सभी आपको अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्न हैं और उससे भी अधिक उत्सुक हैं। मेरे कुछ साथी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, यदि आपकी अनुमति हो। नमस्कार राष्ट्रपति जी, आप हमारे देश के राष्ट्रपति बन चुके, परंतु जब आप हमारी तरह एक छोटे बच्चे थे तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे और क्या आपने सोचा था कि आप बड़े होकर हमारे देश के राष्ट्रपति बनेंगे? ये बात सच है कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बचपन में एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, एक ऐसा इंसान जो कि लोगों के दुख दर्द को समझ सके, निष्ठा ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ काम कर सके। मैं मानता हूँ कि जो अच्छा इंसान होता है वो जहाँ भी जाएगा वो अच्छा काम करेगा। एक अच्छा इंसान यदि वो टीचर होगा तो अच्छा टीचर होगा, वो डॉक्टर होगा तो अच्छा डॉक्टर होगा, यदि वो नेता होगा तो भी अच्छा होगा, और वो एक परिवार का मुखिया होगा तो वो भी अच्छा होगा। प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मामोहन जी, आप घर से विद्यालय और विद्यालय से घर 8 किलोमीटर पैदल चल कर जाते थे, 8 किलोमीटर पैदल चल कर आते थे। अब मैं ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके कारण आपके नन्हे नन्हे पांव दुखते नहीं थे और कभी दुखते भी थे तो कौन सी शक्ति थी जिसने आपको कभी रुकने नहीं दिया? धन्यवाद। ये बात सच है कि मैं जिस गांव में मेरा घर था वहां से जो सबसे नजदीक स्कूल था और वो स्कूल था 6th स्टैंडर्ड से शुरू होता था, 5th तक जो प्राइमरी स्कूल था वो मेरे अपने गांव में था। प्राइमरी पास करने के बाद जब 6th स्टैंडर्ड से शुरू करना चाहा तो सबसे नज़दीक जो स्कूल था उसकी दूरी 4 किलोमीटर थी, और इस प्रकार से मैं कहता हूँ कि मैं उस विद्यालय में पढ़ने के लिए 4 किलोमीटर जाता था और 4 किलोमीटर वापस आता। इस प्रकार टोटल 8 किलोमीटर होता है। ऐसा नहीं है कि मैं 8 किलोमीटर जाता था और 8 किलोमीटर आता था, टोटल 8 किलोमीटर आना और जाना। लेकिन एक शुरू से ही मेरे मन में एक ललक थी पढ़ने की, क्योंकि एक ही जो मैंने मुझे संस्कार मिला था परिवार जनों से वो ये मिला था कि यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो शिक्षा ही एक अच्छा माध्यम हो सकता है, और जिस परिवार में संसाधन ना हो, आर्थिक विपन्नता हो और इन सब चीज़ों के साथ में हो, ऐसे परिवारों के लिए तो केवल और केवल एक शिक्षा ही माध्यम है। तो शिक्षा की ललक ही थी जो कि मुझे उस थकान से भी बहुत दूर रखती थी। और एक बात मैं और आपसे सबसे साझा करना चाहूँगा कि जब मैं 4 किलोमीटर जाता था, मेरे जैसे और भी बच्चे थे जो जाते थे 4 किलोमीटर की दूरी तय करके। हमारे विद्यालय में जो पहला पीरियड हुआ करता था वो पीटी का हुआ था, फिजिकल ट्रेनिंग का, और फिजिकल ट्रेनिंग में हमारे जो टीचर थे पीटी टीचर वो हम लोगों को कुछ कंसेशंस देते थे। उनका ये कहना था कि जब 4 किलोमीटर आप पैदल चल करके आते हो तो आप भी तो एक फिजिकल बहुत कुछ एक्सरसाइज करते हो आ करके, तो इसलिए अगर हमें देर भी हो जाती थी तो उस देरी के कारण मुझे किसी प्रकार का दंड नहीं मिलता था। धन्यवाद। नमस्कार
नमस्ते माननीय जी, इंटरनेट पर आपके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध है, परंतु आपकी शरारत करने की एक भी घटना हमें नहीं मिलती, बल्कि यह अवश्य पता चलता है कि आप अपने मित्रों की शरारतों पर भी नियंत्रण रख लेते थे। एक बालक के रूप में आपने अपने मन पर इतना संयम और अपने आचरण में इतना अनुशासन कैसे उत्पन्न किया, हमें भी बताइए। ये जीवन में अनुशासित आचरण कैसे हो, इसके संस्कार प्रायः सभी को अपने परिवारजनों से मिलते हैं, अपने माँ बाप से मिलते हैं, और जब हम विद्यालय में जाते हैं तो फिर हमें शिक्षकों से मिलते हैं। इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे परिवारजन भी मिले, मेरे पेरेंट्स जो कि स्वयं अनुशासन में विश्वास रख करते थे, और इसी प्रकार से इसको भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे गुरुजन जो शिक्षक गण थे वो भी अनुशासित थे, और मुझे लगा कि शायद अनुशासित जीवन ही जो है वो एक बहुमूल्य जीवन है, जिसको हम कहते हैं कि मनुष्य श्रेणी में जन्म लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, और इसलिए यदि हम अनुशासित होकर के अपना जीवन बिता सकें अनुशासित आचरण के माध्यम से, तो वो सर्वश्रेष्ठ कामयाबी उसको हम कह सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार राष्ट्रपति जी, यह प्रश्न तो हम बच्चों से सभी पूछते हैं कि अगर आपको एक दिन का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप उस एक दिन में क्या क्या करना चाहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति जी मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि अगर आपको एक दिन के लिए हम जैसा बच्चा बनने का मौका मिले तो आप उस एक दिन में क्या क्या करना चाहेंगे। इसे मैं केवल अपना सपना मान सकता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वो मेरा बचपन वापस आएगा, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकली यदि हम मान भी लें कि मैं भी कभी मुझे बचपन मिले आप जैसा, तो मैं भी वही करूँगा जो आप लोग करते हैं, पढ़ाई लिखाई और परिश्रम। और यदि मुझे ऐसा सौभाग्य मिले कि यहीं कहीं नज़दीक हो तो इसी केंद्रीय विद्यालय में मैं भी अपना एडमिशन कराऊँ, आप सबके साथ रहूँ, और बहुत अच्छा लगा आज की जो प्रस्तुतियाँ हमने देखी, और इसके साथ साथ स्कूल में जो दो तीन चीज़ें होनी चाहिए हर स्कूल में, उसमें मैं अपना अधिक समय लगाऊँ, जैसे कि स्कूल को साफ सुथरा रखना पर्यावरण की दृष्टि से, बागवानी कितनी हम अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं उनको हरा भरा रख सकते हैं, और पानी के बचाव का, इस प्रकार की यदि एक मुझे सौभाग्य मिले तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। नमस्ते राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी मैंने सुना है राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं, आप कैसे याद रखते हैं कौन से कमरे में कौन सी चीज रखी है, आपको उन्हें ढूंढने में समय नहीं लगता। जहाँ पर टीम भावना से काम करने का सिस्टम डेवलप हो जाता है वहाँ पर इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। आप भी देखेंगे आपके विद्यालय में बहुत सारे कमरे हैं, और इसमें जो आपके शिक्षक गण हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, उनसे भी यदि आप पूछेंगे तो वो बता देंगे कि किस कमरे में कौन सी अलमारी है, उस अलमारी में क्या क्या सामान रखा है, वो ये भी बता देंगे कि कौन से कमरे में कि कौन सी क्लास लगती है, किस क्लास का सेक्शन कौन सा कहाँ पर है। इस प्रकार की जो टीम भावना से जब काम किया जाता है तो उसमें ये सब बातें सरल हो जाती हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा आपके जो माताजी होती हैं उनका समय अधिक लगता है परिवार में, घर के अंदर माँ से पूछोगे तो वो हर चीज़ को बता देंगे कि ये चीज़ कहाँ रखी। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि आपके कभी कभी ड्रेसेस जो हैं यूनिफॉर्म्स, कोई ड्रेस जूते आपके दूसरी जगह पड़े हुए हैं, बुक्स आपकी फैली हुई हैं, कौन कहाँ पर है, ये सब फैला रहता है। कभी कभी आप जब दिन में होमवर्क के लिए जाते हैं तो जो आपका बेडरूम होता है उससे हटकर के आप दूसरे रूम में बैठ जाते हैं, कुछ आपकी बुक्स बेडरूम में पड़ी होंगी तो कुछ दूसरी जगह पड़ी होंगी, कुछ आपका यूनिफॉर्म दूसरी जगह होगा, एक चीज़ दूसरी जगह होगी। इस प्रकार का ये जो है हमारी बेटियाँ हैं ये बैंड जो है ज़्यादातर जो है उनकी माँ सुबह सुबह ढूंढ करके देती है। ये क्यों देती है? वो इसलिए क्योंकि
एक टीम भावना से और जिम्मेदारी के साथ काम करते, वही टीम भावना हमारे राष्ट्रपति भवन के भी जो परिवार बड़ा परिवार है तो उसमें ये सब बहुत आसान हो जाता है। आप दोनों के साथ हुई इस खास मुलाकात को हम सभी एक सौभाग्यशाली दिन के रूप में हमेशा याद रखेंगे। Navigated through the challenges of life and achieved the most coveted position of our country. Sir, the students of class 11 have been waiting very eagerly and enthusiastically for your rendezvous. With your permission, sir, may the students interact with you. Thank you, sir. Sir, we have 11 fundamental duties, but essential duties like casting votes or paying taxes are not a part of it. Sir, I want to know why these are not included in the list of fundamental duties. Dear students, you have asked a very relevant question, especially in the current context. As we all know, when we adopted our constitution way back on 26th November 1949, which was later on came into effect on 26th January 1950. At that time, there was mention only of our fundamental rights. It was only after 25 years later that we introduced the provision of fundamental duties by amending Article 51A. The discussion on fundamental duties is basically need-based. The entire country had been discussing and asking for their fundamental rights. But nobody thought of that simultaneously you also have to abide by these fundamental duties. Fundamental duties and fundamental rights are basically two sides of the same coin. But it is good that our parliament decided to interact last year on 26th November 2019, that is when we celebrate Constitution Day. The parliament discussed thoroughly that yes, let us not forget the provisions of our fundamental duties. So now we have started discussing and engaging ourselves on fundamental duties also. It is good, and I thank you for asking such an enlightened question, and that way you have to be not only self-aware, awakened, but we all have a duty to make aware the entire country of our fundamental duties also. Thank you. Thank you so much, sir. महोदय, हमारा देश एक विशाल देश है और हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में हम युवा छात्र छात्राएं इसकी सफलता में क्या योगदान दे सकते हैं? देश का भविष्य आप सब हैं। देश कैसा हो, देश का भविष्य कैसा हो, ये सब आप लोगों पर निर्भर करता है, आपके आचरण पर निर्भर करता है। संविधान
मात्र एक कोड ऑफ कंडक्ट है। सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम सब लोगों के लिए संविधान अर्थात हर किसी के लिए उसमें जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। पार्लियामेंट हो सकती है, जुडिशरी हो सकती है, एग्जीक्यूटिव हो सकती है, राष्ट्रपति के लिए भी उसमें प्रावधान है, ड्यूटीज दिखाई गई हैं, प्रधानमंत्री के लिए भी हैं, चीफ जस्टिस के लिए भी हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी हैं, शिक्षाविदों के लिए भी हैं, सबके लिए उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। और इस प्रकार संविधान की जो मर्यादा है, उसकी जो स्पिरिट है और उसके जो आदर्श हैं, उन आदर्शों पर चलना यदि हम सीख जाएंगे और उन आदर्शों पर हमारी निष्ठा कायम रहेगी, तो मुझे लगता है आप सब लोगों का देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। मेरी जानने की यह हार्दिक इच्छा है कि सर, व्हाट हैव बीन द मोटिवेशंस इन योर लाइफ इन अचीविंग दिस एनलाइटेंड करियर? एक ही बात जो मुझे बचपन से सीखी थी परिवारजनों से और अपने शिक्षकों से, कि यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो शिक्षा ही एक सबसे बड़ा माध्यम है। Yes, sir. और उस शिक्षा के सहारे, ऐसी शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें कि बच्चों को निष्ठावान, बच्चों को सच्चाई पर चलना, बच्चों को ईमानदारी से ज़िंदगी जीना और बच्चों को प्रमाणिकता के साथ, इन सब चीज़ों को लेकर के यदि कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा, आप सब लोग पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जीवन में आपको सफलता मिलेगी। बेसिक चीज़ ये है, वाइल गेटिंग एजुकेशन वी मस्ट थिंक ऑफ बिकमिंग ए गुड ह्यूमन। अगर हम अच्छे इंसान होंगे तो आप टीचर बनेंगे तो अच्छे टीचर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे तो अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, यदि आप नेता बनेंगे तो वो भी अच्छे बनेंगे, और यदि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहेंगे। इसलिए ज़रूरी ये है, करियर प्लानिंग, करियर एक बहुत छोटी चीज़ होती है जिसमें कि केवल हम देखते ये हैं कि कैसे हम अपनी आजीविका को चला सकें, हमें तनख्वाह मिले, पैसा कमाएं, अपने बच्चों का लालन पालन करें, ये एक करियर प्लानिंग होती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो देश के बनाने के लिए होती हैं, उसमें करियर प्लानिंग नहीं की जाती है। उसके लिए तो आपको यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट एंड आल्सो टू डिवोट योरसेल्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। थैंक यू सो मच सर। सिंस अ लॉन्ग टाइम आई हैड अ क्वेरी इन माय माइंड एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी टुडे आई नीड सम एनलाइटमेंट फ्रॉम यू रिगार्डिंग इट। Sir, you must have faced many challenges after becoming the President of India. Sir, I just wanted to know how you deal with them. There have been no challenges. And I can say for anybody, provided if you perform your duties with positivity, sincerity, integrity, then you will have no problem, no challenges. All the opportunities you get, you will enjoy. I am not rather saying the enjoyment for the sake of enjoyment. I am saying, in that case, you can carry on your duties and responsibilities in a lighter way. I take this responsibility as a trustee. Trustee means this is the assignment which I have got for a limited term with a mandate. Therefore, I have nothing to worry about. As you all know, under the Constitution, I have been mandated to serve the country, to see that the Constitution and the laws are strictly followed by our people. So that mandate I have got, and that is my responsibility. So I am looking after that. Thank you.
परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, मैं आपसे बेहद प्रेरित हूँ और पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए एडवोकेट बनना चाहती हूँ और बाद में भारत का राष्ट्रपति। मैं यह जानना चाहती हूँ कि संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना कितना आनंददायक है। इसमें आनंद की कोई बात नहीं, ना हमने कभी इसको करियर प्लानिंग के बताए सोचा, लेकिन एक जिस प्रकार से एक डेस्टिनी होती है, द कंट्रीज डेस्टिनी, कंट्री वांटेड मी टू टेक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री एंड टू सर्व आवर पीपल, सो आई गॉट इट। अच्छा है, महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, करिए, प्रयास करिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.